कम खाया करो। हमारे पास हर बीमारी का देसी इलाज है। हमारे मोहल्ले में जो सुंदरलाल हकीम है ना, जो मर्जी दवाई को भेज देते हैं। अच्छा जीजा जी, जीजा जी मैं आपको आधे घंटे बाद फोन करूं? आधा घंटा नहीं, तुम ऐसे करो मुझे 45 मिनट के बाद फोन करो। अभी मैं कुछ देर कश्मीर मसले के बारे में सोचना चाहता हूँ, इस दौरान मैं फोन अटेंड नहीं करूँगा। कश्मीर का मसला? ठीक है, सत श्री अकाल जीजा जी। जीजा जी, जीजा जी, किस चीज की श्योरिटी ले रही हो तुम? कैसे उस मंगेताई को बहाल करूंगा मैं? ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना आपका काम है। आधे पौने घंटे के बाद जीजा जी को फोन करके इनवाइट कर लेना, वो आ जाएंगे। वाह वाह सरदार जी, आज क्या बात है, शाम को आप घर पर ही बैठे हो और पीपल के नीचे जाके बैठ जाऊं? मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आमतौर पर आप शाम को घर ही नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं बाहर रहूं तो कहते घर नहीं रहते, अगर घर बैठूं तो कहते बाहर नहीं जाते। जब कोई आदमी दफ्तर जाता है तो पता होता है कि आदमी ने 9 बजे जाना है और 5 बजे शाम को आना है। आपका तो सिस्टम ही मुझे नहीं समझ आया। रोटी पका के रखो तो जनाब बाहर से खा आते हैं, जब ना बनाओ तो घर आके शोर मचाते हैं, मैं भूखा हूँ मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। अकल के साथ बात कर, हम सोशल वर्कर होते हैं, सोसाइटी को जब भी कहीं जरूरत पड़ती है हमें जाना पड़ता। ये ले मेरा कार्ड, इस पे मेरे टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँ आपके कार्ड का? रख लो, नए छपवाए हैं। ये किस तरह का कार्ड है? जसपाल भट्टी, जीजा जी ऑफ सीनियर आईएएस एसएस सिद्धू। ये मैंने इसलिए छुपाया है कि मेरा दर्जा तेरे भाई से ऊंचा आएगा। मुझे किसी काम के लिए तेरे भाई की तरह सीएम या चीफ सेक्रेटरी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे समझ नहीं आता इस बात में मेरा भाई कहाँ से आ गया। हेलो, लो तेरा भाई है। सिद्धू साहब, मैंने तुमसे कहा था कि 45 मिनट के बाद फोन करना, तुमने 40 मिनट के बाद ही कर दिया। मुझे लगता है जीजा मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है। हाँ तो घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिला लो भाई, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। इस तरह के रुखे आदमी हो आप, कौन सी मीटिंग में बिजी हो? ये जो मीटिंग होती है ना, सिर्फ आईएएस अफसरों की नहीं होती, हमारी भी होती है, हम भी बिजी आदमी है। तू मेरी बात ध्यान से सुन जरा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किचन में बिजी हूँ, मैं नहीं बात सुन सकती। टाइम पूरा हो गया। कौन पूरा हो गया? टाइम पूरा हो गया है। किसका? और जीजा जी को फोन करने का टाइम पूरा हो गया। माँ जी समझते क्यों नहीं आप? तो फिर करो ना फोन। मैं नहीं उस आदमी को बार बार फोन कर सकता, आप खुद करो। बड़े डरपोक हो आप तो। डरपोक नहीं हूँ मैं, सारा डिपार्टमेंट थर थर कांपता है मुझसे, वो आदमी बड़ा टेढ़ा है। हेलो जीजा जी, गुस्सा थूको, तैयार हो जाओ, छिंदी को साथ लो और जल्दी से हमारे घर आ जाओ। ओ, अब इस वक्त? जीजा जी प्लीज, मुझे पता है अब मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, तुम्हें तो मैं वाकई ना नहीं कर सकता, पर आज खास बात क्या है? जीजा जी, हमारी टीमी को लड़का देखने आ रहा है और आपका होना बहुत जरूरी है। और उसमें मैं क्या करूँगा? जीजा जी आप सोशल वर्कर हो, आपको सारे शहर के बारे में पता है, और अगर लड़का आपकी नजरों से गुजरा होगा तो अच्छी बात है, आप तो वैसे ही समझदार हो। मैंने देखा है तुम्हारी फैमिली में एक तुम ही हो भाभी जी, जो मेरी काबिलियत को समझते हो। जीजा जी ऐसी बात नहीं है, सिद्धू साहब भी बहुत इज्जत करते हैं आपकी, तो फिर आप आ रहे हो ना? हाँ, इतने प्यार से बुलाओगे तो मैं आ ही जाता हूँ। आ रहे हैं। छिंदी, ओ छिंदी। ओहो, क्यों आवाजें लगाई जा रही हो, क्या बात है? जरा सिद्धू साहब के घर जाना पड़ेगा। क्यों, वहाँ क्या है? उधर ना टिम्मी को देखने के लिए कोई लड़के वाले आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा जरा। मैं तो तैयार हूँ। तैयार है तो सर बिखेर ले, मेरे कहने का मतलब है कि सूट शूट बदलो चलें। मैं अभी तैयार होती हूँ। देखा कितनी खुश है, यही अगर मेरे रिश्तेदारों की तरफ जाना होता, इसका पेट दुख रहा होना था या इसका सर दुख रहा होना था। आजो आजो आजो, वेलकम वेलकम भजन सिंह जी, आइए आजो बेटा, आजो 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 बेटा। घर तो बहुत खूबसूरत बनाया है, आप बनाया था? नहीं जी, मिस्त्री लगा लिए थे, क्योंकि खुद तो बहुत मुश्किल है ना, ड्यूटी पर भी जाना, घर भी बनाना, टू डिफिकल्ट। हमें ये आइडिया नहीं आया, हम ऐसे ही खुद लगे रहे। और क्या, बैठो जी, बैठो बैठो प्लीज, बैठो बैठो। और सुनाइए सर भजन सिंह जी, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं जी नहीं, वो हम पहले पिछली लाइन में चले गए थे, वहाँ हमें किसी ने बताया कि उनके घर की निशानी है कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं। लोग तो लिख के लगाते हैं कि कुत्ते से सावधान, और आपने लिखा है कि कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं। दरअसल वो हमारे कुत्ते के मुंह में दांती कोई नहीं, चॉकलेट खा खा के सारे खराब कर लिए, इवन लड्डुओं का बड़ा शौकीन है, काटना क्या उसने खा। अच्छा? पर भौंकता तो होगा।
नहीं देखो, जब उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा, भौंकने की कोशिश करता है, मुंह से फूंक निकल जाती है, बड़ा एम्बैरेस फील करता है। उसने आजकल भौंकना भी बंद किया हुआ है। माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। टीमी बिटिया। ओहो ब्यूटी केट, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खुश रहो पुत्र। बेटा जी आप क्यों खड़े हो गए, इधर आओ बैठो। नहीं नहीं आप बैठिए, तुम इधर आ जाओ बेटा जी। बेटा उधर बैठ जा बेटा, मेरे पास आ, नीचे नहीं रह जा, इधर यहाँ पे घुटना मल दे जरा। आ इधर बैठ जा। साड़ी कुड़ी के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं जी, पर मुंडा कोई पसंद नहीं आता। वैसे पुत्र जी थोड़ा पीछा कैसा है? पीछा तो माजी बिल्कुल ठीक है जी, आप खुद ही देख लें जी। वो इस पीछे की नहीं बात कर रहे, वो फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। पुत्र जी मैं आपको ये पूछ रही थी कि आपके दादे परदादे क्या करते थे? देखो माता जी, मैंने उनको वैसे तो देखा नहीं हुआ, लेकिन फोटोज में देखा हुआ है जी, और फोटोज में उनकी शक्लें ऐसी लगती हैं जैसे लाखों के कर्ज तले दबे हुए हों। बात ठीक है जी, वो तो लाखों के कर्जे के नीचे डूबे हुए थे, पर हमारी किस्मत अच्छी निकली, इनकी 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई और हमारे सारे कर्जे उतर गए जी। और दूसरी लॉटरी हमारी ये निकली है कि हमारे बेटा जी MBBS कर गए, अब तो ये IAS भी क्लियर कर गए हैं। मेरा ख्याल है हम हरप्रीत और टिमी को अकेले में बिठा दें, आपस में बातचीत कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक हरप्रीत? आई डोंट माइंड। हमारी टिमी के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं जी, पर उसे कोई पसंद ही नहीं आता। लगता है आपके और रिश्ते वाले आ गए। चलो जी हम चलते हैं। नहीं नहीं भजन सिंह जी बैठो आप, मुझे लगता है वो जीजा जी आए हैं, वो मेरे जीजा जी, वो 3 बजे इकट्ठी मारते हैं। जीजा जी जल्दी आओ जल्दी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आइए आओ बैठो। भजन सिंह जी ये हमारे जीजा जी हैं, भट्टी साहब बैठो, भट्टी साहब। ये हमारी बहन छिंदी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बाय द वे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? दैट क्वालिफिकेशन ही क्वालिफिकेशन। पता है पता है। हाँ जी क्या है? तुमने मेरी क्वालिफिकेशन से क्या लेना? मुझे तुमने नौकरी पे रखना, लड़की की क्वालिफिकेशन पूछो। एक्चुअली हमारे जीजा जी में क्वालिटीज बहुत हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं जीजा जी। ये आप मेरा कार्ड रखो जी, कभी भी जरूरत पड़े अंधेरे सवेरे आवाज मार लो जी। आवाज लगाने की क्या जरूरत है, आपके टेलीफोन नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं हमारे तो लगा हुआ है, हो सकता आपने बिल ना पे किया हो, आपका कट गया हो। As I told you, जीजा जी हमारे बहुत मजाकिया हैं। पर मजाक दा भी कोई टाइम होता है? हमारा तो कोई नहीं होता, आपका कितने से कितने होता है? तुम लोग जाकर बाहर लॉन में बैठो, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ, जाओ। ओके। एक मिनट जरा इधर आना। नहीं यहीं बता दो। जरूरी बात है, जरा एक मिनट इधर आओ ना। ना रिश्ते से ज्यादा जरूरी बात कौन सी हो सकती है इस वक्त? देखो टिम्मी के रिश्ते की बात हो रही, जरा सोच समझ के बोलो। मैं तो सारी बात सोच समझ के करता हूँ, मैं तो हमेशा ही सोच समझ के बोलता हूँ ना। 2 मिनट चुप रहो ना, टिम्मी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। लो जी ये कहती है चुप रहने से रिश्ता हो जाएगा। ओ भजन सिंह जी आप खुद ही बताओ, चुप रहने से भी कभी बात बनी है? अगर चुप ही रहना था तो मुझे बुलाया क्यों है? चलो जी चलता हूँ। बैठिए बैठिए। बोलने दो जी इन्हें, बोलने दो। 4 लफ्ज बोलेंगे घर की कोई पोल ही खुलेगी। कोई पोल खुलेगी मेरी? वो पोल तो खुलेगी तेरी, और तू वही नहीं जो लॉटरी स्कैंडल में पकड़ा गया था? क्या ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश नहीं जी, मैं तो बेइज्जती कर ही रहा हूँ। बेइज्जती तो तेरी तभी होगी थी जब तू नकली लॉटरी छापता हुआ पकड़ा गया था। ओ याद नहीं उस वक्त तेरी जमानत मैंने तो कराई थी। मींस आप दोनों दूसरे को जानते हो? देखो जी आपके जीजा जी को कोई गलत फैमिली हो गई है। मेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकली जरूर थी, पर मैं किसी लॉटरी स्कैंडल में पकड़ा नहीं गया हूँ। लॉटरी किसी गरीब आदमी की निकली थी, तुमने उससे ब्लैक में लॉटरी खरीदी थी अपनी ब्लैक मनी वाइट करने के लिए। जिस घर में ऐसा जीजा हो उस घर में हमें रिश्ता ही नहीं करना। ये रिश्ता करते हुए तो 4 बार मुझे भी सोचना पड़ेगा। 4 बार सोचने की जरूरत ही क्या, सिर्फ 2 बार सोचो, उसे 2 से गुना कर दो। जो मर्जी सोचो जी, पर सोचो ठंडे दिमाग के साथ, ये ठंडे पकौड़े और ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी के हमारे फ्रिज में बड़ी देर बाद बर्फ जमी है। हमारे हैरी बेटे को बुलाओ आप, हमें देर हो रही है। हाँ जल्दी कर लो जी, इन्हें घर में पुलिस ढूंढ रही होगी। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, फिर तुमने अपने डैड को सीधे सीधे बता क्यों नहीं दिया कि मुझे हरप्रीत पसंद है? मैं भी मम्मी डैडी को बताने वाली थी कि अचानक मम्मी ने मुझे तेरी तस्वीर दिखाई और कहने लगी ये लड़का तुझे पसंद है, मैंने सोचा हम तो पकड़े गए। टिम्मी जब मेरे घर वालों ने तेरे डैड का नाम बताया ना, तो फिर मैंने मन में सोचा हरप्रीत ये तो तेरी लॉटरी लग गई। तुम्हारे घर लॉटरी बहुत लगती है।
तो फिर मैंने सोचा टिमी के घर जाके चलो टिमी को सरप्राइज देते हैं। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा था। तो चल हम दोनों मिलके अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देते हैं। हाँ। चल आपने कुछ खाया तो है नहीं? बस जी हमें भूख नहीं है।